तो सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसे दो लाइन लिखिए। हेडिंग पहला लगाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहली हेडिंग मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन लग गया हेडिंग। इसमें लिखिए किसी परमाणु, वन मिनट ऐसे स्टार्ट हो, किसी पदार्थ के परमाणु के, किसी पदार्थ के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, बाहरी कक्षा में उपस्थित आयुग्मित अनपेयर्ड आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर दूसरे लाइन से लिखिए ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण शक्ति द्वारा बंधे होते हैं, कम आकर्षण शक्ति द्वारा बंधे होते हैं, कम आकर्षण शक्ति द्वारा बंधे होते हैं, कम आकर्षण शक्ति द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक से दूर होते इसलिए आकर्षण बल कम लगता है, सही कह रहे हो, बट कौन सा बल लगता है पहले वो तो समझ ले। वंडरवाल नाभिक में वंडरवाल बल लगता है, कोई बात नहीं, आइंस्टीन के बाद आपको ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ हाँ उस लेवल पे है। पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन समझो, क्योंकि जो कंप्लीट आप पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो आपने लिया जैसे कोई एक एटम लेते हैं, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन तो बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा कोई लिया जाए कार्बन ले तो कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन ही लेते हैं, अच्छा है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8 और 7। अगर पेयर में बनाएंगे तो यहाँ पे दो का एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा और चार, और इसमें कितने पेयर बनेंगे, तीन पेयर बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो जो दो दो है ये सभी क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड ग्रुप है, और ये क्या है, अनपेयर्ड है। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, न्यूक्लियस है ये नाभिक, नाभिक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, और संख्या में इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि इस नाभिक के अंदर जितने कण होते हैं, नाभिक के अंदर जितने भी कण होते हैं उनके बीच जो बल लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे भाई, नाभिकीय बल। और एक बात ध्यान में रखना, नाभिकीय बल वैद्युत बल नहीं है, नाभिकीय बल वैद्युत बल नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके बाहर जो ऑर्बिट्स बनेंगी, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार, और जो आखिरी वाली ऑर्बिट है इसकी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है, ठीक है। हाँ तीन पेयर्ड बना देते हैं यहाँ पे और एक अनपेयर्ड है, हमें इसी पे फोकस करना है, बाकी जो पेयर्ड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1, 2 एंड 3। इसमें आप देखो
मैंने अभी आपको बताया कि नाभिक के अंदर जितने भी बल लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और नाभिकीय बल वैद्युत बल नहीं है, ये एक प्रकार का नया बल है जो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल है और सबसे छोटी परिधि का होता है, नाभिक के अंदर मतलब फर्मी लेवल पे होता है ये, ठीक है, बहुत छोटी दूरी में कार्य करता है लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद बाहर आप देख पा रहे हो ये सब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा आवेश होता है, तो नाभिक पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, तो इनके बीच भी तो बल लगेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन आप देख रहे हो दैट इज न्यूक्लियस, इसके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा भाई, कौन सा बल, केंद्रीय बल, अपकेंद्रक, नहीं ये सब बकवास नहीं, देखो आकर्षण बल है, आकर्षण बल है, पर कौन सा, वैद्युत आकर्षण, बल्कि प्रकृति भी तो पता होनी चाहिए ना। तो ये एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, इन आवेशों के लिए जो बल लग रहा है ना उसे कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है भाई, वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है, यह वैद्युत आकर्षण बल है, ध्यान में रखना, यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो बल लगता है वो वैद्युत आकर्षण बल है, लेकिन नाभिक के अंदर कणों के बीच जो बल लगता है वो नाभिकीय बल है, और नाभिकीय बल वैद्युत बल नहीं है, जबकि यहाँ पर जितने बल लग रहे हैं वो वैद्युत बल है। जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो किसके नियम से हम ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का क्या कहना है कि जो वैद्युत बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल बहुत तेज़ी से घटेगा, और जब दूरी घटेगी तो बल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो जो नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन होंगे इनके लिए दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो आकर्षण बल का मान ज़्यादा लगेगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे बाहरी ऑर्बिट की तरफ जो आकर्षण बल का मान है वो घटता जाएगा, क्योंकि दूरी का मान क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो ये आर लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन अकेला, ये एक तो अनपेयर्ड है, कैसा है, अनपेयर्ड हिंदी में बोले तो आयुग्मित है, ये आयुग्मित भी है, यानी आवेश की मात्रा भी कम है। देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आवेश की मात्रा भी कम होगी, तो आवेश की मात्रा भी कम है इसलिए वैद्युत बल और कम हो जाएगा, और दूरी भी नाभिक से सबसे ज़्यादा है इसीलिए वैद्युत आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है। तो हम कहते हैं कि जो इंटरनल मतलब आंतरिक आवेश होता है वो स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड अर्थात दृढ़ता से बंधे होते हैं, जबकि बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है, लूजली बाउंडेड, मतलब बड़ी दुर्बल बलों के द्वारा ये खींचे होते हैं। अब आप वैद्युत क्रियाएं सीखे होंगे, उसमें एक एटम दूसरे एटम से क्रिया करता है ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिल जाता है तो नए अणु का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl का निर्माण करता है ना, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, होता है कि नहीं, जैसे H है और क्लोरीन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है जिसका युग्म नहीं बना होता है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है जिससे ये बन जाए क्या, पेयर्ड हो जाए, और ये पेयर्ड हो जाता है बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खाली स्थान के लिए हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, फिर इस आदान प्रदान के कारण जो केमिकल बना उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकलकर क्लोरीन में स्वतः नहीं गया है, वैद्युत आकर्षण के कारण गया है, बात समझ पा रहे हो। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋण आवेश ज़्यादा होगा, वहाँ आकर्षण शक्ति अधिक होगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है वहाँ आकर्षण शक्ति कम होगी। यहाँ से एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा प्रतिकर्षण ही करें, निगेटिव निगेटिव हमेशा प्रतिकर्षण ही करें, ये आकर्षण भी कर सकते हैं। क्या जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन एक ही वर्ग के हैं, लेकिन अगर उनका ताप बढ़ा
अब क्लोरीन फ्लोरीन कहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम, उनके रिश्तेदारी से कोई लेना देना नहीं है हमें। मैं जो बताना चाहता हूँ वो वैद्युत बल बताना चाहता हूँ कि जो वैद्युत बल है वो आपने सीखा कि समान प्रकृति का आवेश होगा तो विपरीत बल लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत प्रकृति वाला होगा तो आकर्षण। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो ये है कि आवेश विपरीत प्रकृति वाले हैं तो आकर्षण लग रहा है, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे थे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो इनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है तो आकर्षण है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ तो ऋणावेशित ही होता है ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक आवेश बहुत बड़ा और एक आवेश बहुत छोटा हो तो आवेशों की प्रकृति आकर्षण बल को प्रभावित नहीं करती है। नहीं समझ पाए? हमने क्या सीखा है कि धन आवेश और धन आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, ऋण आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, यही सीखे हो ना। मैं अब जो बता रहा हूँ वो ये है कि ऋण आवेश आकर्षण भी कर सकता है, लेकिन कब? जब एक तरफ का ऋण आवेश बहुत अधिक और एक तरफ का ऋण आवेश बहुत छोटा हो तो इनके बीच आकर्षण होता है, जैसे कि यहाँ होता है। आखिर में इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है ना अभिक्रिया में, तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऋण आवेशित है और जहाँ जाता है वो भी तो ऋण आवेश ही है ना, लेकिन एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो विपरीत प्रकृति वाले आकर्षण करते हैं यह आवश्यक नहीं है, समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच भी आकर्षण हो सकता है, बट शर्त यह है कि उन दोनों में से कोई एक आवेश समूह बहुत बड़ा हो और एक आवेश समूह छोटा हो। ठीक है, ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसी को क्या कहते हैं? हम आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और फिजिक्स में हम इसे क्या कहेंगे बार बार? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम इस परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर निकालने के लिए हमें इसे देना होगा ऊर्जा। तो जितनी ऊर्जा देते हैं उसे आयनन विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम बना लो जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आए, नोट किया जाए।